गतियां, इसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी होगी हमें, इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले ले रहा हूँ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को बाद में लेते हुए अभी हम जो है वो मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियों की बात करेंगे। पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियां हैं, कैसे वो गतियां होती है, उनसे क्या क्या गतिविधियां जो फिनोमिनन जो है वो क्रिएट होते हैं, वो सारी चीजें जो है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। सभी सेटल हो गए हैं, स्टार्ट करें। यस सर, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में। हमारी जो पृथ्वी है उसकी दो प्रकार की गतियां हैं, दो प्रकार के मोशन हैं। फर्स्ट वन इज रोटेशन, हिंदी में हम इसे कहते हैं घूर्णन, एंड सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन, या हिंदी में हम इसे कहते हैं परिक्रमण। ये दो तरह की गतियां जो है वो अर्थ जो है वो करती है, हमारी पृथ्वी जो है वो करती है। पहली घूर्णन है, दूसरी परिक्रमण है, रिवोल्यूशन है। दोनों को समझते हैं कि दोनों है क्या। देखिए, हमारी जो अर्थ है वो, इसे सन मान लीजिए, इसे सूर्य मान लीजिए, और ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। अब देखिए, जो पृथ्वी है उसकी एक गति जो है वो है अपनी अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर रोटेट होना, अपने अक्ष पर घूमना, जिसे हम कहते हैं घूर्णन गति या रोटेशन। और दूसरी इसकी जो मोशन है वो है सन के अराउंड इस तरीके से मोशन करना, जिसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन, या हिंदी में कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमा लगाती है सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से हमारी पृथ्वी। और ये सारा जो, सारी जो घटना है, सारा जो फिनोमिनन है, वो एक ही प्लेन में होता है, एक ही तल में होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज इस साल पृथ्वी ऐसे जा रही है, अगले साल पृथ्वी ऐसे जा रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। पृथ्वी हमेशा एक ही तल में, ये जो एक तल दिख रहा है, प्लेन जो आपको दिख रहा है, इस प्लेन में पृथ्वी जो है वो हमेशा पिछले बिलियंस ऑफ ईयर से, करोड़ों सालों से इस तरीके से गति करती हुई आ रही है, और अगले करोड़ों सालों तक करती रहेगी। जैसा हमारा न्यूटन की गति का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में बना रहेगा, या अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई बाह्य बल जो है उस पर ना लगाया जाए। तो वैसे ही हमारी पृथ्वी जो है वो मोशन में है, गति में है, तो वो गति में करोड़ों सालों से है और करोड़ों सालों तक बनी रहेगी, क्योंकि उस पर अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाइड नहीं है, कोई भी बाह्य बल जो है वो इस पर आरोपित नहीं है, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है वो गति कर रही है। और ये एक ही प्लेन में होता है, एक ही तल में होता है, इसके ऊपर नीचे कभी पृथ्वी जाती नहीं। क्वेश्चन आ रहा है सर, फर्स्ट टॉपिक ये क्या? हाँ, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका छूट गया तो बाद में करवा दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारा नया टॉपिक है ये, अभी सिर्फ दो या तीन क्लासेस हुई है जिनमें हमने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड अक्षांश देशांतर पढ़ा है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें कि हम मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां पढ़ रहे हैं। तो दो टाइप के मोशन जो है, वो दोनों टाइप के मोशन जो है वो आई होप आपको क्लियर होंगे। एक बार मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि दोनों टाइप के मोशन जो है वो क्या होते हैं। अब हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रोटेशन जो है वो कैसे होता है, उसकी वजह से क्या क्या फिनोमिनल होते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि रिवोल्यूशन जो है, परिक्रमण जो है वो कैसे होता है, और उसकी वजह से कौन कौन से फिनोमिनन जो है, घटनाएं जो है वो उत्पन्न होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम रोटेशन की, घूर्णन की। घूर्णन गति के पढ़ने से पहले एक चीज जो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, आज फिर से थोड़ा सा दो मिनट उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया, ये हमारा सूर्य है और इसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी जो है वो गति करती है। अब ये
कुछ इस तरीके से है, यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, ये इस तरीके से एक ही तल में गति करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, इस तरीके से गति करती रहती है। अब देखिए, जिस तल में ये जो तल है, जिस तल में पृथ्वी चलती है, अपनी गति करती है, अपना मोशन जो है वो परफॉर्म करती है, उस तल में उस तल उस प्लेन में और जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी जो है, उसके जो रोटेशन करने की, मतलब जो घूर्णन करने की जो दिशा है, वो आइडियली सिद्धांतिक रूप से कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि पृथ्वी जो है, इसको मैं इससे समझते हैं, ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, ये अपनी एक्सिस पर इस तरीके से रोटेट होती रहती है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है, और एक गति तो ये इस तरीके से करती रहती है, और दूसरी गति जो है वो इस सूर्य के चारों तरफ ऐसे भी करती रहती है, इस सूर्य के चारों तरफ ऐसे भी करती रहती है। अब बेसिकली जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो लाइन है, सपोज ये लाइन जो है, यहाँ पर इस जगह पर हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और इस जगह पर हमारा दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है। तो अब आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि जिस प्लेन में पृथ्वी चल रही है, जिस तल में पृथ्वी मोशन कर रही है, उस तल और ये जो दोनों पोल्स हैं, इन पोल्स के अराउंड, इन दोनों पोल को अगर आप मिला देंगे, इन दोनों ध्रुवों को मिला देंगे, तो इन्हीं के अराउंड पृथ्वी जो है वो रोटेट होती है, घूर्णन करती है। मतलब ये जो एक्सिस है, अक्ष जो है वो ये है, अगर आप एक पिन घुसा दें, पिन डाल दें यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, तो उस पिन के अराउंड, उस पिन के चारों तरफ जो है वो पृथ्वी इस तरीके से घूमती हुई दिखेगी आपको। तो अब आइडियली होना ये चाहिए था कि ये प्लेन जो है, ये एक्सिस जो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी, और ये प्लेन जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में स्थिति ये है कि हमारे ये जो दोनों पोल्स हैं, ये थोड़े से झुके हुए हैं। वास्तव में पृथ्वी जो है वो इस अक्ष पर घूर्णन करती है, इस अक्ष पर घूर्णन करती है, और अगर इस अक्ष को आप नापने जाएंगे, मेजर करने जाएंगे, तो देखिए आइडियली ये होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में हमारा जो अक्ष है वो ये है। तो इन दोनों के बीच का कोण अगर आप देखेंगे तो वो आएगा 23.5 डिग्री। तो हमारी पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो इस प्लेन से, जिस तल में ये गति कर रही है, जिस प्लेन में ये मोशन कर रही है, उस तल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, टिल्टेड है, स्लांटेड है 23.5 डिग्री के एंगल पर। तो इसकी वजह से काफी सारे फिनोमिनन जो है वो क्रिएट होते हैं। कैसे होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, दोनों टाइप के मोशन जो है उन दोनों में कहीं ना कहीं ये टिल्ट जो है वो अपना अपना रोल जो है, कहीं ना कहीं रोल ये प्ले करेगा। तो आगे देखते हैं किस तरीके से ये अपना रोल प्ले करेगा। तो फर्स्ट मोशन जो है हमारा, जो कि हमारा रोटेशन है, उसे डिस्कस करते हैं हम, या हिंदी में जैसे हम घूर्णन कहते हैं, रोटेशन या घूर्णन। रोटेशन में देखिए, हमारी पृथ्वी जो है वो इस तरीके से, यहां पर अगर आप सूर्य को मान लेंगे तो इस तरीके से चल रही है, जैसा मैंने 2D में डायग्राम बनाया, एक्चुअली 3D में वो इस तरीके से, यहाँ बीच में सूर्य है, या चलिए मैं बॉल को रख देता हूं ताकि आपको सूर्य समझने में आसानी रहे। फिलहाल इस बॉल को सूर्य समझिएगा, तो मैंने यहाँ पर इस सूर्य को रखा है, और पृथ्वी जो है छोटी सी है, और वो इसके चारों तरफ इस तरीके से चल रही है। अब वो ये गति तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ में इसकी, इस गति के साथ में ये अपने अक्ष पर भी घूमती जा रही है, दोनों गतियां जो है वो एक साथ होती जा रही है। तो इसकी वजह से देखिए, जब स्थिति ये होती है, मैं इस एंगल को हटा रहा हूं यहां से, जब स्थिति यह होती है, यहां हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और यहां हमारा साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, इसका माइक ऑन है,
राजेंद्र मीणा, क्या आपका माइक ऑन है? लगता है मुझे आप अपना माइक ऑफ कर दें। चलिए, ऑफ कर दिया आपने, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए, सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी पर कुछ इस तरीके से आकर के गिरेंगी। अब जब ये पृथ्वी पर आकर के गिरेंगी तो पृथ्वी का जो आधा भाग है, यही आधा भाग जो है सूर्य की किरणों को ग्रहण करेगा। ये जो आधा भाग है यही, इसी पर सूर्य की किरणें गिरेंगी, इसके आगे वाले भाग पर नहीं गिरेंगी। अगर हम ऐसे समझे तो ये पृथ्वी है, इधर अगर सूर्य चमक रहा है तो सूर्य की किरणें जिस आधे भाग में गिरेंगी, ये वाला भाग सिर्फ इधर ही उजाला होगा, इधर वाला जो भाग होगा वहां अभी भी अंधेरा होगा। इसे ही हम दिन और रात कहते हैं, डे एंड नाइट कहते हैं। जिस तरफ सूर्य की किरणें गिर रही है वहां पर डे है, दिन है, और जिस तरफ सूर्य की किरणें नहीं गिर रही है वहां पर रात है, नाइट है। तो डे एंड नाइट जो है वो सबसे पहला इस मोशन की वजह से क्रिएट होते हैं। ये जो गति होती है हमारी, घूर्णन गति, इसकी वजह से दिन और रात उत्पन्न होते हैं। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो एक भाग में हमेशा दिन होता और दूसरे भाग में हमेशा रात होती। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, कुछ टाइम के लिए दिन होता है, कुछ टाइम के लिए रात होती है। उसका कारण है पृथ्वी की ये गति, ये मोशन जो है, इसी की वजह से पृथ्वी पर डे एंड नाइट जो है वो संभव हो पाते हैं, पॉसिबल हो पाते हैं। अगर ये मोशन नहीं होता तो एक बार पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जहां पे रात नहीं होती? नहीं, ऐसा कोई देश नहीं है। तो मतलब रात और डे, मतलब ये सूर्य की गति और पृथ्वी की गति पर निर्भर करेगा। हाँ, डे एंड नाइट जो है वो पृथ्वी की गति पर निर्भर करेगा। थैंक यू सर जी। तो इस तरीके से यहाँ हमारा जो है वो दिन क्रिएट होता है, यहाँ रात क्रिएट होती है, और इस तरीके से पृथ्वी जो है वो गति करती रहती है। आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि नॉर्वे जो है, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। लेकिन वो क्यों होता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों होता है। वो कुछ टाइम के लिए होता है, परमानेंट ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, तो इस तरीके से ये आधा भाग जो है जहां पर अभी दिन है, इसे हम कहते हैं, इसको हमने नाम दिया है, इंग्लिश में से हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। मतलब वो वाला सर्कल, वो वाला पार्ट जो कि इल्यूमिनेटेड है, या हिंदी में वो वाला व्रत जो कि प्रदीप्त है, मतलब उसके ऊपर लाइट जो है वो गिर रही है, सनलाइट जो है वो गिर रही है, सूर्य की किरणें गिर रही है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है उस वाले पार्ट में, जहां पर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है उस वाले पार्ट में जितने भी देश होंगे या जितना भी रीजन होगा, जितना भी एरिया होगा, क्षेत्र होगा, वहां पर दिन होगा। और जो पार्ट पृथ्वी का वो भाग जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति वृत्त के बाहर होगा वहां पर नाइट होगी। ये वाला पार्ट जो है यहाँ डे होगा और ये वाला पार्ट जो है यहाँ नाइट होगी, यहाँ दिन होगा और यहाँ रात। इस तरीके से डे एंड नाइट जो है वो इस फिनोमिनन की वजह से, इस गति की वजह से उत्पन्न होते हैं, क्रिएट होते हैं। पहला जो हमारा फिनोमिनन है, इसका रिजल्ट जो है, वो पहला रिजल्ट ये है कि डे एंड नाइट जो है वो इसकी वजह से क्रिएट होते हैं। अब देखिए, यहीं पर एक चीज जो हमें समझने की है वो देखिए, पृथ्वी जो है वो अपना जो चक्कर है, ये सन है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है एक राउंड तो ये, एक गति तो ये कर रही है, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने की जो गति कर रही है वो एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने में, एक घूर्णन जो है वो पूरा करने में इसको टाइम लगता है ऑलमोस्ट 24 आवर्स का, 24 आवर्स का। अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो ये होता है
23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स। तेईस घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड एग्जैक्टली टाइम लगता है पृथ्वी को अपनी अपना एक रोटेशन पूरा करने में, अपना एक घूर्णन पूर्ण करने में, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट 24 आवर्स मान लेते हैं, 24 घंटे मान लेते हैं, और 24 घंटे में पृथ्वी जो है वो अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है। मतलब 24 घंटे के अंदर हर एक जगह पर, पृथ्वी के हर एक स्थान पर दिन और रात दोनों ही चीजें जो है वो घटित हो जाती है। एक दिन आ चुका होता है और एक रात जो है वो निकल चुकी होती है हर एक 24 आवर्स में। अब देखिए पृथ्वी जो है वो गति कर रही है इस एक्सिस पर, रोटेशन जो है घूर्णन जो है वो हो रहा है इस एक्सिस पर, मतलब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना कि ऐसे। तो अब अगर पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो मेरा जो नॉर्थ पोल वाला रीजन है, उत्तरी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है, वो क्या कभी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर आएगा, प्रदीप्ति वृत्त के अंदर आएगा? हमारा जो नॉर्थ पोल वाला रीजन है, उत्तरी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है, वो क्या कभी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति वृत्त के अंदर आएगा? मुझे रिप्लाई दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस आएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं आएगा। आंसर इज नहीं आएगा। कैसे आएगा आप खुद ही देखिए, इस एक्सिस पर पृथ्वी गति कर रही है, इस एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, और ये जो है ये वाला भाग जो मैंने शेडेड कर रखा है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी, सूर्य की किरणें जो है वो यही यही तक गिर रही है और पृथ्वी जो है वो इस एक्सिस पर घूम रही है। तो अब इस एक्सिस पर घूमने की वजह से ये वाला भाग थोड़ी देर में यहाँ चला जाएगा, थोड़ी देर में वो आगे चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, लेकिन ये वाला भाग कभी भी इधर नहीं आएगा और ये वाला भाग कभी भी उधर नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल जो है, वो हमेशा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर रहेगा, प्रदीप्ति वृत्त के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन हो जाएगा। 6 महीने का क्यों होगा उसकी भी बात अभी हम करेंगे, लेकिन ऐसा तो अभी जो कंडीशन है उससे हमको दिख रहा है कि परमानेंट दिन रहने वाला यहाँ पर और यहाँ पर परमानेंट रात रहने वाली है। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल जो है वहां पर परमानेंट नाइट होने वाली है और यहाँ पर साउथ पोल पर परमानेंट डे होने वाला है, लेकिन ये वास्तव में परमानेंट नहीं होते, 6-6 महीने के लिए होते। अगले 6 महीने में क्या होगा उसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये जो कंडीशन बन रही है यहाँ पर, 6 महीने का दिन बन रहा है और यहाँ 6 महीने की रात बन रही है, इसे, इस कंडीशन को हम कहते हैं परपेचुअल डे एंड परपेचुअल नाइट। हिंदी में ऐसा कहा जाता है सदा या नित्य दिवस या सदा या नित्र नित्य रात्रि। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जो होती है इसे इसे हम कहते हैं परपेचुअल डे एंड परपेचुअल नाइट, सदा या नित्य दिवस, सदा या नित्र नित्य रात्रि। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनी, 6 महीने का ही क्यों हो रहा है, तो दूसरी कंडीशन में देखिए, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ली है जिसमें पृथ्वी यहां पर है और सूर्य यहाँ पर है, ये सूर्य है बड़ा सा और ये पृथ्वी है, यहाँ से सूर्य की किरणें यहाँ तक जा रही है पृथ्वी तक। अब दूसरा केस ये होगा, मैंने जैसा आपको बताया कि पृथ्वी की दो तरह की गतियां, अभी हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, दूसरी गति ये भी है कि थोड़े टाइम बाद, अगले 6 महीने बाद पृथ्वी यहाँ पर होगी, इस जगह से चल करके पृथ्वी जो है वो यहाँ पर आ चुकी होगी, और जब यहाँ पर आ चुकी होगी तो उसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से इस स्थिति में होगी, और इस स्थिति में अब देखिए अगर मैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करूं, प्रदीप्ति वृत्त की बात करूं, तो ये वाला भाग जो है वो प्रदीप्ति वृत्त होगा क्योंकि सूर्य की किरण है, क्योंकि सूर्य यहां है तो सूर्य की किरणें इस दिशा से आएंगी और इस दिशा से आएंगी, तो ये वाला भाग जो है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होगा, यहां पर सूर्य की किरणें गिर रही होंगी, यहां पर दिन होगा, ये वाला पार्ट में डे होगा और इस वाले पार्ट में नाइट होगी, रात्रि होगी। तो अब देखिए हमारी पृथ्वी जो है उसका जो झुकाव है वो वही बना रहेगा, झुकाव बदलने वाला नहीं है। तो इस जगह पर हमारा नॉर्थ पोल होगा,
उत्तरी ध्रुव होगा और इस जगह पर हमारा साउथ पोल होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, और ये हमारी एक्सिस होगी जिस पर पृथ्वी घूर्णन कर रही होगी, पृथ्वी जो है वो घूम रही होगी ये वाली एक्सिस पर, इस वाले अक्ष पर। तो इस वाले अक्ष पर जब घूम रही होगी तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में अब सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल रहने वाला है, साउथ पोल कभी नहीं आने वाला। नॉर्थ पोल हमेशा इसी में बना रहेगा, पृथ्वी चाहे कितना ही घूमे नॉर्थ पोल हमेशा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति वृत्त के अंदर रहने वाला है, जबकि साउथ पोल जो है पृथ्वी कितना ही घूमे वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति वृत्त के बाहर रहने वाला है। तो इसकी वजह से यहाँ लगभग 6 महीने का दिन हो जाता है और यहाँ लगभग 6 महीने की रात्रि हो जाती है। इस केस में यहाँ अगर मैं साउथ पोल की बात करूं तो यहाँ 6 महीने की रात्रि हो रही थी, सॉरी दिन हो रहा था 6 महीने का, और यहाँ पर 6 महीने की रात्रि हो रही है। सेम केस अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूँ उत्तरी ध्रुव की, तो यहाँ लगभग 6 महीने की रात्रि हो रही है, नाइट हो रही है, और यहाँ लगभग 6 महीने का दिन हो रहा है, डे हो रहा है। इसे ये दोनों ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है, वहां पर लगभग 6 महीने का दिन होता है और लगभग 6 महीने की रात होती है। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं परपेचुअल डे और परपेचुअल नाइट, या हिंदी में कहा जाता है सदा या नित्य दिवस या सदा या नित्य रात्रि। इसमें किसी को कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसमें? सर हाँ जी सर, फिनोमिनल मतलब? फिनोमिनल मतलब घटना, घटना चलिए एक क्वेश्चन था आशीष मिश्रा का कि 23 आवर्स 56 मिनट्स बाकी टाइम कहाँ गया? ओके 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स एग्जैक्टली बोलूं तो अर्थ जो है पृथ्वी जो है वो अपना एक रोटेशन एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे एग्जैक्टली नहीं लगाती है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स इतना ही टाइम लगता है। लेकिन इसे हम मोटा मोटा 24 आवर्स कंसिडर कर लेते हैं, 24 घंटे जो है वो मान लेते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे इससे तो फिर हमारी घड़ियां जो है क्लॉक जो है उनमें डिफरेंस आना चाहिए, तो वास्तव में आता है डिफरेंस आता है, जिसे हमारी जो कई सारी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं उस टाइम को समय समय पर मतलब कुछ सालों में 2, 5, 10 सालों में उस टाइम को एडजस्ट करती रहती है। जैसा जहां तक मुझे ध्यान है 2018 एंड में या 2019 के स्टार्टिंग में कहीं मतलब आज से लगभग साल पर पहले साल एक साल पहले हमारी सारी वर्ल्ड क्लॉक जो है उनको एडजस्ट किया गया था, और हमें भी कहा गया था न्यूज में था ये कि हमें भी अपना टाइम जो है वो 1 सेकंड पीछे कर लेना चाहिए। तो वो टाइम जो है वो एडजस्ट किया जाता है इस तरीके से कुछ सालों में, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी को घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लग रहे हैं। हम इसको 24 घंटे कंसिडर करके हमारी सारी घड़ियां चलाते हैं, हमारी सारी क्लॉक जो है वो 24 आवर्स को कंसिडर करते हुए चलती है, जबकि वास्तव में ये टाइम लगता है। तो उस टाइम को एडजस्ट किया जाता है बाद में, कुछ कुछ सालों में एडजस्ट किया जाता है। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर जो 29 फरवरी जो दिन होता है वो हर 4 साल में इसी चीज की वजह से आता है? नहीं, इस वजह से नहीं आता, वो हम जो दूसरा मोशन डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि क्यों आता है, इस मोशन की वजह से नहीं होता। थैंक यू सर। ओके चलिए, तो सब बच्चे लिख रहे हैं, क्लियर है? चलिए तो एक मोशन जो है वो क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ और चीजें, एक फैक्चुअल डेटा मैं आपको बताई चुका हूँ कि एग्जैक्ट टाइम ये लेती है अर्थ, लेकिन हम उसको 24 आवर्स कंसीडर करते हैं। दूसरा एक कंसेप्ट वाला पार्ट जो है वो परपेचुअल डे एंड परपेचुअल नाइट का है, सदा या नित्य दिवस या सदा या नित्य रात्रि वाला है। एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं सोलर डे एंड सिडरियल डे। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या इसे नोट करना है तो ले लीजिए, फिर मैं इसे रब करने वाला हूँ। चलिए, आई होप कि सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
देखिए एक कंसेप्ट आता है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं सोलर डे एंड सिडरल डे, हिंदी में इसे कहा जाता है सौर दिवस, इसे कहा जाता है नक्षत्र दिवस। अब देखिए बेसिकली ये होता क्या है, सोलर डे एंड सिडरल डे क्या होता है। सोलर डे जो है, सौर दिवस जो है, वो जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ की कई बार फोरकास्टिंग की जाती है, या कई बार हम देखते हैं कि हमारा सनराइज जो है, सूर्योदय, वो किसी टाइम पे होता है। सपोज मान लीजिए 7 बजे हो रहा है सुबह, वैसे आजकल नहीं होता है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। और एक सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, सपोज वो हो रहा है हमारे यहाँ शाम को 6 बजे। सर्दी के दिन मान लेते हैं, तो सर्दी के दिन में सुबह 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, और शाम को 6 बजे जो है सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो अब इस केस में देखिए, हम रोज देखते हैं ये घटना जो है, वो ये फिनोमिनन जो है हम रोज देखते हैं। सुबह 7 बजे सूर्य उग रहा है, शाम को 6 बजे अस्त हो रहा है, फिर अगले दिन उग रहा है, फिर अगले दिन अस्त हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो एक उगना अस्त होना, सनसेट सनराइज सनराइज सनसेट सनराइज सनसेट, ये जो होता है, इसके आधार पर अगर हम दिन को कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर आप डे फर्स्ट की बात करोगे, ये एक दिन की बात कर रहे हैं, तो ये टाइम हुआ। डे सेकंड की बात करोगे, अगर दूसरे दिन की बात करोगे, तब भी यही होगा, सुबह 7 बजे सूरज उगेगा और शाम को 6 बजे सूर्य तो हो जाएगा। तो अब इसी के आधार पर, आज सुबह 7 बजे सूरज उगा था, कल सुबह 7 बजे सूरज उगा, इसी के आधार पर हम डे गिनते हैं कि सुबह 7 बजे सूरज उगा, शाम को 6 बजे अस्त हो गया, फिर रात आ गई, नाइट टाइम हो गया, फिर अगले दिन सुबह 7 बजे सूरज उगा, शाम को अस्त हो गया, फिर नाइट आ गई। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन ये डे एंड नाइट हम किस बेसिस पर कंसीडर कर रहे हैं, वो बेसिस है हमारा सन। तो अगर हम ये सारी कैलकुलेशन डे एंड नाइट की, सूर्य दिन और रात जो है उसकी गणना अगर सूर्य के आधार पर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सौर दिवस या सोलर डे, जो कि जनरली हम करते हैं, हमारे यहाँ होता है। दूसरी टाइप की कैलकुलेशन जो जनरली हम डेली लाइफ में नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं सिडरल डे या नक्षत्र दिवस। तो जैसे हर रोज सूर्योदय होता है और फिर सूर्यास्त हो जाता है, फिर सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त हो जाता है, वैसे ही अगर हम रात को देखें, तो रात को तारे उगते हैं, फिर सुबह अस्त हो जाते हैं, फिर रात को उगते हैं, फिर सुबह अस्त हो जाते हैं, फिर रात को उगते हैं, फिर सुबह अस्त हो जाते हैं। अगर हम नक्षत्र के आधार पर, तारों के आधार पर ये सारी कैलकुलेशन करें, तो इसे हम कहते हैं सिडरल डे या नक्षत्र दिवस। सिर्फ गणना करने का आधार जो है, बेस है, कैलकुलेशन करने का बेस जो है, वो डिफरेंट है, बात वही की वही है। ये रात को गिन रहा है, ये दिन को गिन रहा है, डे लाइट कब आई, फिर डे लाइट कब गायब होगी, यहाँ पर स्टार्स कब आए और स्टार्स कब गायब होगी, उसके आधार पर अगर हम डे को कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम सिडरल डे कहते हैं, नक्षत्र दिवस। कोई कंफ्यूजन इसमें? लीप सेंचुरी कैसे आता है, उसे भी डिस्कस करेंगे अभी, लीप ईयर डिस्कस करेंगे, फिर लीप सेंचुरी की बात करें। हाँ जी सर, ये जो आप नक्षत्र गणना बता रहे हैं, ये ध्रुवों पर होती होगी? ध्रुवों पर नहीं, नक्षत्र का मतलब होता है तारे, स्टार्स। हाँ, तो मतलब वहां जैसे 6 महीने रात रहती होगी, तो वो दिन कंप्लीट होना इसी तरह से गिनते होंगे कि तारे हो गए, तारे अस्त हो गए, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। नक्षत्र दिवस जो है, वो वास्तव में अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ कुछ कैलेंडर चलते हैं, कुछ संवत चलते हैं, जैसे हमारा विक्रम संवत जो है, या चलिए पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जिसमें कि हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीने होते हैं, जनवरी 1 से लेकर के 31 का होता है, फरवरी 1 से लेकर के 28 का होता है, मार्च 1 से लेकर के 30 का होता है, उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ग्रेगोरियन संवत कहते हैं हिंदी में। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, वो पूरी तरीके से बेस्ड है सोलर डे पर, सूर्य के आधार पर। लेकिन आपने कभी सुना होगा, जैसे अभी मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में एक महीना आता है रमजान, रमजान मुस्लिम धर्म में एक त्योहार आता है ईद,
हम कई बार सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि ईद जो है वो चांद को देख करके मनाई जाएगी, कि चांद कब उगेगा, कैसे क्या होगा, उसके आधार पर मनाई जाएगी। इस टाइप की कैलकुलेशन जो है वो नक्षत्र दिवस के आधार पर। और जैसे हिजरी, जिसे वो मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का जो कैलेंडर है उसे हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं, हिजरी संवत कहते हैं। तो हिजरी कैलेंडर जो है वो नक्षत्र दिवस पर आधारित होता है। हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो सौर दिवस पर, सोलर डे पर बेस्ड होता है। और हमारा विक्रम संवत जो है वो दोनों पर बेस्ड होता है। वो सूर्य की भी गणना करता है और तारों की भी गणना करता है, जिसमें कि आपने सुने होंगे कि हमारे कुछ 28 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस टाइप के 28 नक्षत्र होते हैं, अभिजीत वगैरह बहुत सारे। कभी कोई सा नक्षत्र लागू होता है, कभी कोई सा नक्षत्र लागू होता है। वो सारी गणना यहाँ पर इन अभिक्रम संवत में दोनों के आधार पर की जाती है, सूर्य के आधार पर भी और नक्षत्र के आधार पर भी। अब आपको क्लियर होगा कि नक्षत्र दिवस वो पोल्स पर नहीं होता, ध्रुवों पर नहीं होता, वो हम डेली लाइफ में भी करते हैं। शकेरा, हाँ आशीष मिश्रा लिख रहे हैं शकेरा। शकेरा भी एक अलग कैलेंडर है। शक संवत जो है वो कनिष्क ने चलाया था 78 एडी में, वो एक अलग कैलेंडर है। अलग अलग टाइप के बहुत सारे कैलेंडर्स हैं। गुप्त संवत भी है, गुप्ता कैलेंडर जिसको हम कहते हैं। बहुत सारे टाइप के कैलेंडर है, सबके बेसिस अलग अलग है, सबके आधार अलग अलग है। कोई सोलर डे पर कैलकुलेशन करता है, कोई सिडरल डे पर कैलकुलेशन करता है, कोई सौर दिवस से गणना करता है, कोई नक्षत्र दिवस से गणना करता है। सर नॉर्मल जो चलता है उसको कौन सा कैलेंडर बोलते हैं? नॉर्मल जो हम जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर देखते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। मैं लिख देता हूं, नाम लिख देता हूं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं हम ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन एक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, जिसने एक कैलेंडर बनाया था कि कैलेंडर जो है वो काफी इजी से कैलकुलेशन जो है वो की जा सके। और जैसे आप देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, ये जो सारे नाम देखते हैं, ये वास्तव में पहले जो है वो इस कैलेंडर में 10 ही महीने हुआ करते थे। सितंबर 7वां महीना होता था, अक्टूबर 8वां महीना होता था, नवंबर 9वां महीना होता था, दिसंबर 10वां महीना होता था। लेकिन बाद में ग्रेगोरियन ने ही बीच में कुछ महीनों को और जोड़ करके इन महीनों को आगे बढ़ा दिया। तो आज हमारा सितंबर जो है वो 9वां महीना हो जाता है, अक्टूबर 10वां महीना हो जाता है, नवंबर 11वां महीना हो जाता है। ये सारा खेल जो है वो इसी आदमी का, ग्रेगोरियन का है, इसी ने सारे चेंजेस किए थे। और वो कैलेंडर जो है वो पूरे वर्ल्ड में आज, क्योंकि ब्रिटिशर्स मानते थे और ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया, पूरे विश्व पे राज किया, तो पूरा विश्व जो है वो इसी कैलेंडर को ज्यादा मान्यता देता है। एक क्वेश्चन आया है, विच कैलेंडर, वो तो हिजरी कैलेंडर, नहीं समझ पा रहा हूँ। सवाई जयसिंह ने कौन सा कैलेंडर पे अनुसंधान किया था? सवाई जयसिंह ने कौन सा कैलेंडर पे अनुसंधान किया था? अब ये राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये आप राजस्थान हिस्ट्री वाले सर से पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा रोटेशन जो है, घूर्णन जो है, वो एक गति, हमने जो बात करी है स्टार्टिंग में कि पृथ्वी की दो टाइप की गतियां होती है, टू टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, उसमें से एक गति जो है वो हमने कंप्लीट की है, जिसकी वजह से जो भी घटनाएं होती है, जो भी फिनोमिनन होते हैं, उन सभी को डिस्कस किया है। अब हम दूसरी गति की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा मोशन जो है हमारा, जो कि है रिवोल्यूशन, परिक्रमण, उसकी तरफ बढ़ते हैं। रिवोल्यूशन की बात करते हैं। परिक्रमा, परिक्रमण में देखिए, एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने।
ये हमारा सन है, सूर्य है, और हमारी पृथ्वी जो है वो कुछ इस तरीके से गति करती है इस सन के अराउंड, इस सूर्य के चारों तरफ जो है कुछ इस तरीके से गति करती है, जैसा मैंने बनाया है आपके सामने डायग्राम सेम वैसे ही गति करती है। इधर ये जो गैप आपको ज्यादा दिख रहा है और इधर ये जो कम दिख रहा है, ये मैंने बिल्कुल सोच समझ के डायग्राम बनाया है। वास्तव में पृथ्वी ऐसे ही गति करती है। ये जो पथ है, ये जो पाथ है जिसको अर्थ फॉलो कर रही है, इसे हम कहते हैं इलिप्टिकल पाथ, या हिंदी में इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। इलिप्टिकल पाथ या दीर्घ वृत्ताकार पथ। तो इस टाइप का जो भी शेप, अंडाकार आकृति जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, वो अंडाकार आकृति अगर आपको कहीं दिखती है तो इसे हम इलिप्टिकल पाथ या दीर्घ वृत्ताकार पथ कहते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स में, गणित में होता है, इलिप्स होता है, दीर्घ वृत्त होता है, जिसकी दो त्रिज्याएं होती है, दो रेडियस होती है, टू रेडियाई होती है, एक रेडियस ये होती है, दूसरी रेडियस ये होती है, एक बड़ी रेडियस होती है, एक छोटी रेडियस होती है। लेकिन मैथमेटिक्स में हम नहीं जा रहे, लेकिन ये जो पाथ होता है, इस तरीके का जो पथ होता है, इसे हम इलिप्टिकल पाथ या दीर्घ वृत्ताकार पथ कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी जो है वो वास्तव में ऐसे दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है, और सूर्य जो है वो इसके केंद्र में नहीं होता, सेंटर में नहीं होता, थोड़ा सा इस तरफ होता है। तो इसकी वजह से देखिए दो कंडीशन बनती है। सबसे पहले तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब पृथ्वी यहां पर होगी, और जब पृथ्वी यहां पर होगी, तो यहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पेरिहेलियन, या हिंदी में कहा जाता है इसको उपसौर। और ये स्थिति जनरली बनती है 3 जनवरी को। ये जितनी भी डेट्स मैं आपके सामने लिखूंगा, इन सारी डेट्स में 24 आवर्स का डिफरेंस आता रहता है, 24 घंटों का अंतर आता रहता है। कोई किताब आपको 3 जनवरी लिखा हुआ देगी, तो कोई किताब आपको 4 जनवरी लिखा हुआ देगी। और वास्तव में कभी कभी ये घटनाएं जो है, ये फिनोमिनन जो है, वो 4 जनवरी को भी होते रहते हैं, इसलिए कुछ किताबें जो है वो 4 जनवरी भी लिखती है। जैसे पेरिहेलियन की बात करूं तो 2019 का पेरिहेलियन जो है वो 4 जनवरी को हुआ था, 4th ऑफ जनवरी को हुआ था। तो पेरिहेलियन वो स्थिति होती है, उपसौर वो स्थिति होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, नियरेस्ट टू दी सन। अर्थ की पोजीशन जो है वो नियरेस्ट टू दी सन होती है। और अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो ये होता है 147 मिलियन किलोमीटर, या हिंदी में लिखू तो 14,70,00,000 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी जो होती है वो 14,70,00,000 किलोमीटर, या 147 मिलियन किलोमीटर होती है, इस स्थिति में, उपसौर या पेरिहेलियन वाली कंडीशन में, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है। फिर इसके एग्जैक्ट 6 महीने बाद स्थिति यह बनती है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है। इस स्थिति को हम कहते हैं अफेलियन, या हिंदी में इसे कहा जाता है अपसौर। और ऐसी स्थिति बनती है एग्जैक्ट 6 महीने बाद 4 जुलाई। अब अगर ये डेट भी मैंने जैसा आपको बताया 24 आवर्स, 24 घंटे ऊपर नीचे हो सकती है, जैसा यहाँ पर स्थिति हो सकती है वैसी स्थिति यहाँ पर भी हो सकती है। डेट्स सारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, आपको ध्यान रहे कब होता है। एग्जाम में आपसे कभी ये डेट्स पूछी नहीं जाती, और अगर पूछी भी जाती है तो आप इसमें 24 घंटे प्लस माइनस करके भी अगर आपको कोई ऑप्शन दिखता है तो उसको सही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस स्थिति में अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाती है बढ़ करके 152 मिलियन किलोमीटर, या हिंदी में बोलू तो 15,20,00,000 किलोमीटर। मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 5 मिलियन का डिफरेंस आ चुका है, 50,00,000 किलोमीटर का डिफरेंस आ चुका है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बीच में। क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी रहती है। हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी रहती है। सबसे पहले स्टार्टिंग में टॉपिक ही मैंने यही लिया था, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी रहती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको।
तो ये दो स्थितियां बनती है, एक पेरिहेलियन की उपसौर की जो कि 3 जनवरी को बनती है जब पृथ्वी और सूर्य सबसे नजदीक स्थिति में होते हैं, और दूसरी स्थिति बनती है अफेलियन की या अपसौर की जिस दिन पृथ्वी और सूर्य जो है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है दूरी जो है वो मैक्सिमम होती है अधिकतम होती है। अब इनके बीच में और भी बहुत सारी स्थितियां बनती है जिन्हें हम कुछ अलग अलग नामों से जानते हैं, पहले वो नाम जो है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। एक स्थिति कहलाती है विंटर सॉल्स्टिस, या हिंदी में इसे कहा जाता है शीत अयनांत। एक स्थिति बनती है समर सॉल्स्टिस, हिंदी में इसे कहा जाता है ग्रीष्मायनांत। एक स्थिति बनती है इक्विनॉक्स, या हिंदी में इसे कहा जाता है विषु। ये स्थितियां क्या होती हैं? इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है, समर सॉल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, इन सभी को डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम को मैं, ये जो मैंने अफेलियन और पेरिहेलियन वाली कंडीशन जो बनाई है उन्हें मैं रब करने जा रहा हूं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इन्हें रब कर देता हूं। दिव्या जोशी पूछ रहे हैं तो सर इस टाइम पर विंटर होता होगा। आशीष मिश्रा पूछ रहे हैं सर पास में गर्मी होगी ना पेरिहेलियन। हाँ बिल्कुल, पेरिहेलियन में गर्मी होगी, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ आपका। एक बार अगर आप वॉइस से पूछ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी पूछिए। हेलो। हाँ जी पूछिए। हेलो सर। हाँ जी। हेलो की आवाज है फिर बंद हो गया, आगे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लगती है। सर। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर अपसोर को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? अपसोर को इंग्लिश में कहते हैं अफेलियन, APHELION। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, डेट्स आपने रिवर्स लिख दिया आई थिंक। रिवर्स लिख दी मतलब सर, पेरिहेलियन पे सर 4th जुलाई एंड एपिहेलियन पे 3rd जनवरी आई थिंक, उल्टा हो गया है। सर ये डाउट सर मेरा भी था। नहीं मैं समझा नहीं। सर जहाँ पे आपने 4th जुलाई लिखा है वहाँ पे आई थिंक 3rd जनवरी होना चाहिए था सर, एपिहेलियन की डेट, अफेलियन की डेट आई मीन। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सही लिखी है डेट्स, मैंने सही लिखी है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर, जो ये इलेप्टिकल पाथ होता है जो रिवॉल्यूशन का, वो फिक्स होता है हर रिवॉल्यूशन पे या फिर जो इलेप्टिकल पाथ है वो चेंज होता रहता है? नहीं पाथ फिक्स होता है, पाथ जैसा मैंने फर्स्ट आपको बताया कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा, और अगर विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा अंटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो अर्थ जो है बस वो भी सन के अराउंड एक मोशन में आ चुकी है जो कि बिलियन ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर से चलता आ रहा है ये सन है, और ये अर्थ जो है वो एक मोशन में आ चुकी है,
और ये एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रही है जो कि कुछ इस तरीके का है, तो वो कई करोड़ों सालों से, कई बिलियन बिलियंस ऑफ ईयर से ऐसा हो चुका है, सेट हो चुका है, और जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ये अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। तो पिछले बिलियंस ऑफ ईयर्स में तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगा हो, अब भविष्य में अगर लगता है तो हो सकता है कि ये अपना पाथ चेंज करे, लेकिन फिलहाल तो जो है, जो हम अभी तक जितना हमें पता है कि पिछले करोड़ों सालों में इसने अपना पथ नहीं बदला है, पाथ जो है वो चेंज नहीं किया है, वो वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई होता है अर्थ पर भी। सर हाँ जी सर, एक्चुअली पॉइंट ये है कि अगर सूर्य से दूरी कम है तो उस टाइम जनवरी 3rd डे है, हाँ चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा सब बच्चों को इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, 3 जनवरी को पेरिहेलियन की कंडीशन है और 4 जुलाई को अफेलियन की कंडीशन है, इसमें क्या कंफ्यूजन है, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा। वॉइस प्रॉपर नहीं आई थी इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया आपने क्या क्वेश्चन पूछा था। सर क्वेश्चन ये था, हेलो सर, क्वेश्चन एक्चुअल में सर ये था कि सर 3 जनवरी को सर अगर पास में 147 मिलियन किलोमीटर है तो सर वहां पर तो ठंड गर्मी होगी ना काफी उस टाइम पे, तो हाँ तो सर ये 3 जनवरी को तो सर विंटर विंटर होता है। ओके ये कंफ्यूजन हो रहा है, यस सर। हाँ जी इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे मैं अभी आगे आने वाला था, अभी जो हम विंटर सोल्स्टिस समर सोल्स्टिस डिस्कस करते उसमें ये चीज आने वाली थी। वैसे भी देखिए बेसिकली होता क्या है कि हमारी अर्थ का जो ये टिल्ट है 23.5 डिग्री का जो टिल्ट है, ये बीच की जो लाइन है ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इसके नीचे जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, हिंदी में इसे मकर रेखा कहते हैं, और इसके ऊपर वाली जो लाइन है ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हिंदी में इसे कर्क रेखा कहते हैं। हम जो है मतलब हम भारत के निवासी जो है, भारत हमारा देश जो है वो कर्क रेखा के ऊपर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है। तो यहाँ अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की स्थिति देखेंगे, कर्क रेखा की स्थिति देखेंगे, तो सूर्य की किरणें वहां तिरछी गिर रही है, हमारे जो सीजन्स है मौसम जो है वो इसी मोशन की वजह से क्रिएट होते हैं, ये जो सारा मौसम सॉरी ये जो सारा मोशन है इस मोशन की वजह से हमारे मौसम सीजन जो है वो क्रिएट होते हैं, ऋतुएं जो है वो उत्पन्न होती है, और यहाँ पर अभी हमारे यहाँ विंटर चल रहा है। लेकिन अगर आप दक्षिणी गोलार्ध को देखेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर को देखेंगे, तो वहां गर्मी चल रही है, तो वहां की गर्मी हमारे यहाँ से ज्यादा तेज है। बेसिकली होता क्या है, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, यहाँ पर विंटर का सीजन चल रहा है, शीत ऋतु चल रही है। लेकिन अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूँ, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ, तो यहाँ पर समर्स चल रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो समर्स यहाँ है, यहाँ के समर्स हमारे यहाँ के समर्स से ज्यादा तेज होते हैं। हम जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, तो इंडिया का टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में जाता है 30 डिग्री 40 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं जाता, 40 42 45 डिग्री। लेकिन अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री होता है, 40 45 डिग्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर रहता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो पृथ्वी सूर्य के ज्यादा नजदीक होती है, उस टाइम पर 50 लाख किलोमीटर पास में होती है सूर्य के, इसकी वजह से यहाँ पर गर्मी सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होती है। लेकिन अब आप जो पूछ रहे हो कि 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंड होती है, हमारे रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे हो, हमारे यहाँ तो सर ठंडी होगी क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पर अभी शीत ऋतु चल रही है, विंटर चल रहा है। इस केस में जब आप आएंगे तो हमारे यहाँ गर्मी चल रही होती है, इस केस में जब आप आएंगे तो यहाँ इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, यहाँ कर्क रेखा है और यहाँ मकर रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा जो है उस पर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही होंगी, तो ये वाला टाइम जो होता है यहाँ पर हमारे यहाँ गर्मी होती है, जैसे कि अभी मैं हम थोड़ी देर बाद देखेंगे समर सोल्स्टिस वाली कंडीशन जो कि 21 जून को बनती है, यहाँ पर बनती है, तब सूर्य की किरणें सीधी की सीधी कर्क रेखा पर गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरती है, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला था। वैसे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि 3 जनवरी को हमारे यहाँ ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, हम पास में है, तो वो सारा कंफ्यूजन शायद क्लियर हो जाना चाहिए अगर हम इन तीनों को डिस्कस कर लें। तो पहले मैं इन तीनों को डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं, फिर से आएंगे इस टॉपिक पे कि हमारे यहाँ सर्दी के टाइम पर हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक होते हुए भी हमारे यहाँ सर्दी कैसे है उस पर डिस्कस करते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अगर आपने तो
तो मैं इसे रब करता हूँ और फिर इन पे आता हूँ, विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स पर। आगे का डिस्कशन कर लेते हैं हम, विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है, समर सॉल्स्टिस क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए इस कंडीशन को देखते हैं, यहाँ पर हमारी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को। यहाँ पर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, और यहाँ पर हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब देखिए सूर्य की किरणें, अगर आप अभी इस कंडीशन में देखेंगे तो सूर्य की किरणें सनरेज जो है वो सीधी की सीधी कहाँ गिर रही है, अगर आप इस कंडीशन में देखेंगे तो सूर्य की किरणें जो है वो सीधी की सीधी मकर रेखा पर गिर रही है, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये मकर रेखा है, इंग्लिश में इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मकर रेखा पर सीधी की सीधी गिर रही है, मतलब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरने का मतलब क्या हुआ, सनलाइट जो है वो हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, इसको मैं इस तरीके से शेडेड कर रहा हूं, ये सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध जो है वहां सनलाइट जो है वो ज्यादा गेन हो रही है, सूर्य की किरणें ज्यादा गिर रही है इस रीजन में। तो जहां सूर्य की किरणें ज्यादा गिरेंगी वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब वहां पर कौन सा सीजन होगा, समर्स होंगे, समर्स या हिंदी में जिसे हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। लेकिन ये बात हुई सिर्फ और सिर्फ अभी तक दक्षिणी गोलार्ध की, सदर्न हेमिस्फीयर की। अब जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी आ रही है, स्लैंटेड आ रही है, टिल्टेड आ रही है, जिसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। और तापमान कम होने का मतलब कौन सा सीजन होगा, यहां पर विंटर्स या हिंदी में जिसे हम कहते हैं शीत ऋतु। टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पर सूर्य की किरणें कम गिर रही है, कम गिर रही है तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा, तो यहाँ पर कौन सी ऋतु आएगी, शीत ऋतु आएगी, विंटर्स आएंगे। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो है वो विंटर्स होते हैं उस टाइम पर। लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय अगर हम दक्षिणी गोलार्ध के देशों की बात करें, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज की बात करें या साउथ अमेरिका के कई सारे कंट्रीज की बात करें, तो वहां सब जगह गर्मी होगी इस टाइम, इस टाइम पर यहाँ समर्स चल रहे होंगे, हमारे यहाँ विंटर्स चल रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति को, ये जो मैंने आपके सामने कंडीशन बनाई है, एग्जैक्टली जिस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर गिर रही होती है वो डेट होती है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर के दिन यहां पर सूर्य की किरणें जो है, सनरेज जो है वो सीधी की सीधी मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिर रही होती है। इसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में समर्स होते हैं, ग्रीष्म ऋतु होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं, शीत ऋतु होती है। हाँ जी बोलिए। बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा था।
प्रश्न आ रहे हैं, एक तो सर्दी में मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है सर शीतायनांत 21 दिसंबर, और एक क्वेश्चन आया डे लंबे और डे छोटे होने का कारण। चलो तीनों को डिस्कस करेंगे अभी हम। सबसे पहले जो शीतायनांत 21 दिसंबर तो मैं नहीं जानता। हाँ जी, किसी की वॉइस आई थी, कोई कुछ पूछना चाह रहा था। चलिए, पहला तो जो क्वेश्चन आया शीतायनांत 21 दिसंबर, तो शीतायनांत 21 दिसंबर जो है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 24 आवर्स का डिफरेंस होता है हर एक चीज में, 24 आवर्स का डिफरेंस यहाँ भी आता है। कुछ बुक्स में आपको 21 दिसंबर मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको 22 दिसंबर मिलेगा। मैं जो लिख रहा हूँ वो एनसीईआरटी की डेट्स लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी में 22 दिसंबर लिखी हुई है, 22 दिसंबर लिखी हुई है, इसलिए लिख रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि इनमें 24 घंटे का डिफरेंस आता रहता है, 24 घंटे आगे पीछे डेट्स होती रहती है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि कई बार ये स्थितियां जो है वो रात को बनती है। मतलब कुछ स्थितियां जो है, हमारा दिन जो है हम गिनते हैं रात की 12 बजे से, रात को 12 बजे से लेकर के फिर अगले रात की 12 बजे तब तक हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट गिनते हैं। लेकिन कई परिस्थितियां सूर्य और चंद्रमा और सबके आधार पर देखें हम तो काफी सारी स्थितियां अलग होती है। तो कई बार स्थितियां ऐसी बनती है कि कुछ कुछ चीजें जो है वो एक दिन, मतलब कुछ घंटे पहले हो जाती है लेकिन डेट चेंज हो जाती है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि कुछ डेट कुछ घंटे बाद में हो जाती है तो डेट चेंज हो जाती है। इसलिए 24 आवर्स का डिफरेंस आता रहता है, एक दिन आगे पीछे होता रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि मकर संक्रांति मनाते हैं सर्दी में, हाँ बिल्कुल मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी तरीके से कर्क संक्रांति भी आती है। और मकर संक्रांति का मतलब यही होता है कि सूर्य जो है वो मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहा है, इसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। सेम इसी तरीके से कर्क संक्रांति भी आती है जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि सूर्य जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ आता है, वो स्थिति इधर बनेगी। अभी हम आगे देखेंगे वो स्थिति इधर बनेगी, अभी हमने उस स्थिति को डिस्कस नहीं किया, अभी हमने सिर्फ एक स्थिति को डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन है डे लंबे डे छोटे, उस पर मैं आता हूँ। अभी पहले हम इन सबको समझेंगे, फिर डे लंबाई दिन की लंबाई और थोड़ा रात की लंबाई पर आएंगे। और एक और पूछा है उत्तरायण का मतलब क्या था। उत्तरायण का मतलब यह होता है कि सूर्य का उत्तर की तरफ बढ़ना, मकर संक्रांति को ही हम उत्तरायण कहते हैं। मतलब हमारा जो मैप होता है उसमें हमारा कन्वेंशन होता है, इस तरफ उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, इस तरफ दक्षिण होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, पूर्व होता है, और इस तरफ वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। तो सूर्य जब दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है, मतलब मकर रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, उसे ही हम सूर्य का उत्तरायण कहते हैं, वही हमारी मकर संक्रांति भी होती है। ऐसे ही सूर्य का दक्षिणायन भी होता है, उसमें सूर्य जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जाता है, उसी को हम दक्षिणायन या कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। चलिए, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति को डिस्कस किया है, एक पोजीशन को डिस्कस किया है, अभी हमने तीन पोजीशन और डिस्कस करनी है। लेकिन आज का हमारा टाइम हो चुका है, तो कल जो है हम अभी इसको भी इसी ये जो स्थिति है इसी को हम शीतायनांत विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सब कुछ और कल हम डिस्कस करते हैं सारी स्थितियों को एक बार, कल से फिर से इसी डायग्राम को बना करके डिस्कशन करेंगे। प्रवीण सर, हाँ जी, यस यस मैम, हाँ।